أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ए परवरदिगार हमको अपना फर्मा बरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना मुती बनाते रहियो और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा बेशक तू तु तवज्जो तु फरमाने वाला मेहरबान है ऐ परवरदिगार उन लोगों में उन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कर जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और उनके दिलों को पाक साफ किया करे तू गालिब और साहेब हिकमत है अल्लाह, मैं तेरी नाराजी से तेरी रजा और तेरे अजाब से तेरी आफियत की पनाह चाहता हूँ और परवरदिगार मैं तुझसे तेरी पनाह चाहता हूँ मेरे लिए मुमकिन नहीं कि तेरी सना का हक अदा कर सकूँ। तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपनी सना की है बसमान रहीम मोहतरम नाजरीन अस्सलामुअलैकुम पयाम सुबह के साथ एक बार फिर आपका मेजबान अनीक अहमद हाजिर है जरत इब्राहिम और आपकी दुआएं मौत इब्राहिम हजरत नाम के बाद पहले पैगम्बर हैं जिन्हें अल्लाह आलमगीर तबलीफ की जिम्मेदारी सौंपी आपने इराक शाम मिस्र फलस्तीन उसके बाद रेगिस्तान अरब की जानेब सफर किया और अल्लाह की दावत अल्लाह का पैगाम अल्लाह ताला की इतात और फरमाबार बरदारी की जानिब लोगों को बुलाया, यानी दीन इस्लाम की तबलीग की बड़ी आजमाइशें बड़ी सऊपतें आपने बर्दाश्त की खौीन हजरात अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइशों आपकी सऊबतों और आपकी जो इशारों कुर्बानी के नतीजे में आपसे यह फरमाया है कि इन्नी जायलों इन्नी जायलों का लन्ना से इमामा कि मैं आपको दुनिया का के लिए पेशवा बनाने वाला हूं हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि वमिन जरूरी थी और मेरी औलाद को अल्लाह ताला फरमाता है कि, कि मेरा वादा यनालो ला यनालो अहद जालिमी मेरा वादा जालिमों के साथ नहीं होगा खातिन हजरात सरकारी दुआलम सल्ला वसल्लम दुआए इब्राहिम असलाम का नतीजा है अभी हमने कुरान करीम की तलावत सुनने की सादत हासिल की इब्राहिम सलाम दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह तो इन्हीं में से एक रसूल पैदा कर वो रसूल कि जो आयात की तलावत करे वो रसूल जो इल्म और हिकमत की बातें इन्हें बताएं और इनका तस्किया करे खौतम मुजरात आज हम बात करेंगे हजरत इब्राहिम असलम के तलु से आपकी दुआओं के तल्ल से आपकी कुर्बानियों के तल्लुक से इससे पहले हम एक बात सिर्फ ये यहाँ ये अर्ज करते चलें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हजरत अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल और उसके बाद बनी इस्माईल सरकारी दोम सल्ह वसल्लम की आमद बनी इस्माइल की तरफ अल्लाह ताला की नेमतों का जहूर बनी इसराइल से नमतें खत्म कर दी गई क्योंकि उन्होंने गुमराही इख्तियार की थी उन्होंने नाफरमानी इख्तियार की थी खातिन नौजरात तब से होगी लेकिन एक सिलसिला जैसे हम और आप जानते हैं कि वो सिलसिला है कोई इस कॉम्पिटिशन का रोजाना एक सवाल हम आपकी खिदत में रखते हैं वो सवाल कुरानी तालीमत और कुरानी मालूम से मरबूत होता है हमारी कोशिश ये होती है कि कुरने करीम से दीन से हम लोग तमाम लोग और खासतौर पर यूथ हमारी हमारी नौजवान नसल वो करीब हो रोज एक सवाल हम पूछते हैं आपसे जवाब आते हैं बहुत सारे जवाब होते हैं उनमें से बहुत सारे सही होते हैं कुरानंदाजी होती है एक क़रा जिस शख्स के नाम निकलता है उसका नाम का का ऐलान आखिर में होता है इस प्रोग्राम के और उस खुशनसीबी की खिदमत में दुनिया टी वी की जानब से एक गिफ्ट हेम्पर रवाना किया जाता है कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो सवाल ये था कि हजरत ईसा आसाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी खातिन हजरात पहला ऑप्शन था इंजील दूसरा ऑप्शन तौरात और तीसरा ऑप्शन जबूर हम सब जानते हैं कि इंजील सही जवाब इस प्रोग्राम के आखिर में खुशनसीब के नाम की पर्ची निकाली जाएगी और वह हमारे जो मौजूद मेहमान हैं वो ये जहमत करेंगे और उनके नाम का ऐलान करेंगे आज का सवाल सवाल यह है कि इसराइल किस पैगंबर का लकब था पहला ऑप्शन हजरत जूनूसम दूसरा ऑप्शन हजरत साल तीसरा ऑप्शन हजरत की याकूब अलम खौवा नजरात हमारे फोन नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर आ रहा है और एसएमएस के के नंबर आ रहा है मैं रिपीट कर देता हूं हमारे फोन नंबर है जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल जीरो नाइन जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू एट जीरो सिक्स वन और ईमेल एड्रेस है पी एस एट दुनिया टीवी डॉट टी वी और एसएमएस के लिए थ्री जीरो थ्री वन पर सही ऑप्शन लिखें उसे सेंड कर दें है मुमताज आलिम दीन मुमताज मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब खातिन हजरात सब वाकिफ हैं मैं मजीद आपके तारुफ में कुछ कलमात अदा नहीं करूँगा दूसरे मेहमान हमारे वो भी किसी तारुफ और किसी तारीफ के मोहताज नहीं मुमताज आल में दीन कई किताबों के मुसन्फ आपकी किताबें हम पढ़ते हैं और सीखते हैं तशीफ फर्मा है महतरम मुफ्ती नजीर अहमद खान साहब प्रोग्राम का आगाज हम करना चाहेंगे मौलाना शिजाउद्दीन शेख साहब से शेख साहब हजरत इब्राहिम इससे पहले कि हम दुआओं पर आए आपकी आप फरमाइए कि हजरत इब्राहिम का पूरा एक, एक पस मंजर एक उनकी उनका इशार उनकी कुर्बानी उनकी आजमाइश जो उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के इशात तबलीख के लिए अंजाम दीरमीम आज जो हमने आयात सुनी है अब इब्तदा में यह सूर्य अलबरा की आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस और एक सौ उनतीस है जहां दुआओं का तस्कर आता है इब्राहिम की थोड़ा पहले आयत नंबर एक सौ पच्चीस है जहां आजमाइशों का जिक्र भी है और इंसानियत की इमामत दिए जाने का बयान भी है आयत एक सौ पच्चीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करो वहीदीप इब्राहिम और अबू बी कली मातिन फ आतम कि जब इब्राहिम के रब ने बाज बातों में उनकी आजमाइश फरमाई तो पूरा उतरे इम्तिहान लेने वाला रब ऐलान कर रहा है कि जिन जिन इम्तिहानात में उनको डाला वो पूरा उतरे उन इम्तिहानात के बाद फरमाए कि इन्नी जायनों का निनासी इमामा अब्राहिम में आपको तमाम इंसानियत का इमाम बनाने वाला हूँ। एक छोटे से जुमले में पूरी एक दास्तान है इम्तिहानात की जो कि दर्ज कर दी गई है कोई तो वजह है कि दुरूद इब्राहिमी जब हम पढ़ते हैं उसका नाम ही दुरूद इब्राहिमी है रिसालत रिसालतमाप सल्ला वलम के बिल्कुल मुतसिल अगर नाम आता है अंबिया और रसूल की तारीख में से तो हजरत इब्राहिम का फिर इस शान के साथ कि कमा सल तला इब्राहिम अल्लाह ऐसी रहमत नादल फरमा नबी सल्ला वसलम और उनकी आल पर जैसे कि इब्राहिम सलाम पर और इसी तसलसल में यह भी जान रखिए कि कुरानी हकीम अंबिया की दासाने बयान करता है तो पांच रसूलों को उलमी मिना रसूल करार देता है सुरतुल के बिल्कुल आखिर में जिनमें नू साम मूसम ईसा सल्लम नबी करीमलम और इब्राहीम शामिल हैं कि जिनकी जिंदगी इम्तहान से भरी हुई हैं फिर हम देखते है कि सलाम हैं कि इब्राहिम के मुख्त नौत के इम्तहान हैं जिस घर में आंख खोली वहां बुद्ध परस्ती बुद्ध तराशी का मामला जिस कौम में आंख खोली है वहां बुद्ध परस्ती होती है शाह परस्ती होती है सितारा परस्ती होती है मुख्तलिफ अकसाम की शिरक वहां पर हमें दिखाई देते हैं फिर वहां खड़े होकर वो नारा बदल करते हैं कि इन्नी वजह तो वजहीजी फतौर समावती हदीफों वमां मुशरकन माशरे का तासुर कबूल नहीं किया बल्कि तासर डाला कि यह सब गलत है बातिल है और मैं अपना रुख उस अल्लाह की तरफ यकसुई के साथ फेरता हूं कि जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया फिर वक्त के बादशाह नवरूद के दरबार में उनका मुकालमा होता है बकरा में उसका जिक्र आता है और वहां पर भी वो डटकर हक का बयान करते हैं अपने वालिद से भी उनका मुकालमा होता है फिर घर से निकाल दिया जाता है कौम उनके खिलाफ हो जाती है और उनको आग जलाकर उसमें डालने के दरपे हो जाती है और बेखदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क रब के रब्बे कायनात की रजा की खातिर बगैर किसी खौफ और खतर की वो आग में कूदने को भी तैयार हो गए रब ने उसको गुलगुजार बना दिया इब्राहीम के लिए फिर मजीद आजमाइश का मामला कि वो हिजरत कर जाते इराक से कि अल्लाह रबुमी के दीन के खातिर घर बार को भी छोड़ देते हैं फिर वो मौका भी आता है कि जब कहा जाता है कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को मक्के की भी आबाद जमीन में छोड़ आइए तो वो भी छोड़ाते हैं और अल्लाह की वो बंदी भी भी हाजरा कहती है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा और इन इंत, इम्तहानत और आजमाइशों की इंतहा वो वाकई कुर्बानी है कि जब अभी तेरह बरस के इसमाइल आसमाम है और लगभग सौ बरस के बूढ़े हैं इब्राहिम आसमाम और अल्लाह का मुतालबाता है कि अपने बुढ़ापे की कीमती तदरी शह को भी अल्लाह के राम में कुर्बान कर दीजिए और वह अपनी दानिश में छुरी फेरने को तैयार भी हो जाते बिलफिल चला भी देते हैं और रब कायनात ने वहां पर एक मेंढी की कुरबानी को कबूल किया और आइंदा के लिए मशरू किया यह सारी जिंदगी मैंने चंद जुबलर्स के लिए कि पूरी एक दास्तान है और इस पर अल्लाह तला क्या कहते हैं कहीं इमामस करार पाते हैं कि इंसानियत की इमामत आपको दी जाती है कहीं वो अबुल अंबिया करार पाते हैं कि नू आम का आपने इतदा में जिक्र किया नू अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया नूर अलैहिस्सलाम की औलाद में है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में आते हैं उनको खलील का लकब भी अल्लाह की तरफ से आता किया जाता है और ये इमामस के मनसब को भी समझने की जरूरत है कि ये दुनिया की इमामत कब मिली उनको जब वो आजमाइशों की भट्टियों से गुजरे और आगे फरमाया कि या मेरी उम्मत मेरी औलाद ममिन जरूरीती ला यनाद वालिमी की मेरी औलाद को भी कुछ मिलेगा फरमाया कि जालिमी के साथ मेरा अहद नहीं आज हमें कहा गया कि तुम भी इब्राहिम आसम के तरीके पर हो <च्चारी> अभी को बराही। इमामत नुतफा मतलब इमामत मीरासफा की नहीं होती नस्थी 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 की नहीं पर होती, नहीं। होती है बल्कि उसके लिए आमाल साल दरकार होता और है और से गुजरना होता है यह बात आपने फरमाई कि जो खसूसियात और खूबी हजरत बैम सलाम की मुफ्ती साहब उसमें एक खूबी और जो हम कुरान करीम जब पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि उस वसना सरकार तो आलम सल्ला वसलम के बारे में फरमाया लकत कानकूम फिर रसूल है उस हसना पूरे कुरान करीम में किसी और के उसमें हसने की बात नहीं हुई जिसकी इक्तदा की जाए हजरत इब्राहिम इब्राहीम की इस ताल्लुक से फरमाइए कुछ देखें हजरत इब्राहीम आलात वाम का सबसे बड़ा एजाज कि जनाब रसूल अक्रम सला वसलम ने इर्शाद फरमाया कि मेरी बैसत का फैसला उस वक्त हुआ था जब हजरत आदम आ सलात वाम के जिसमें अतहर में रूह भी नहीं डली थी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम और आपकी ये उम्मत तमाम जैसे आप तमाम अंबिया में अफजल हैं इसी तरह ये उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे ज्यादा अफजल है इस अफजल तरीन उम्मत की नस्बत इस उम्मत की नस्बत नस्बत मिलत इब्राहिम की तरफ है मिलत इब्राहिम के ये जो मिलत यानी इस्लाम है इसे मिलत इब्राहिमी कहा गया हालांकि अल्लाह ताला की मिलत है लेकिन नस्बत एजाज के लिए अल्लाह तबारक वाली ने इस्लाम की नस्बत मिलत इब्राहिमी की तरफ की है और अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है व तब मिलत इब्राहिम हनीफा तमाम अदियान से बातिल तरीकों से कट के अल्लाह ताल का बन के और वो क्या है कि मिलत इब्राहिमी का आप इतबा करें तो जनाब रसूल करीम अलैहि वसल्लम को हुक्म है और फिर इस तल्लुक से देखिए कि अल्लाह तबारक व ताल का इरशाद है इन्हीं कुर्बानियों के सिले में कि जैसे अल्लाह तबारक व तौर फरमारें कि मैं कदरदान हूँ जो कर्बानी देता है उत, उसके उसकी कर्बानियों की नाशुरी नहीं की जाएगी इसी कदरदानी को देखिए कि अल्लाह ताली फरमारें वह वहना लहू इसहा व याकूब व जालना फिर दुर्रीत नबूत वल किताब व आतईना हो अजरहू फिर दुनिया व न आखिरत कि हमने इस इन कुरबानियों के सिलों में आखिरत तो है ही लेकिन दुनिया में क्या दिया बहुत बड़े बरगजीदा पैगंबर हजरत इसहाक आलाम हजरत याकूब आलातम और नबूवत और हकूमत दोनों ये दोनों ये दोनो सिलसिले अल्लाह फरमा रहे हैं कि हजरत इब्राहीम सलात वाम के अंदर ये जितने अले अले अंबिया जितने अंबिया आए बनु इसराइल से हों या बनु इसमाइल से हों खुद हमारे पैगंबर पाक अलैहि वसल्लम बनु इसमाइल से हैं ये इतना बड़ा इजाजत फिर यह देखें कि इस वक्त मरकजियत जो हासिल है जिस खत्े को हासिल है जिस जगह को हासिल है वो बैतुल्ला है और बैतुल्ला शरीफ जो है इसके तामीर करने वाले कौन हजरत इब्राहीम आलात वाम खुद ये अल्लाह तबारक वाली के घर को तामीर कर रहे हैं वही जरफ इब्राहीमद मिनलबई व इस्माइल तामीर कर रहे हैं घर को लेकिन इसमें फख्र नहीं कर रहे अल्लाह तला से दुआ कर रहे हैं रब बना तकबल मिना इन्ना कंत से एल्ला यह खिदमत में अंजाम दे रहा हूं एल्ला ये खिदमत में अंजाम दे रहा हूं ए इस खिदमत को तू अपने दरबार में कबूल फरमा एक हम है नमाज पढ़ते हैं रोजा रखते हैं फख्र से कहते हैं बड़ा नेक काम किया और हजरत इब्राहिम आल सलात में बड़ी कुर्बानियों से गुजर के और एक बड़ी कुर्बानी का एक अमल अंजाम दे रहे हैं खुद भी और बेटे मिलकर जो है वो अल्लाह का घर तामील कर रहे हैं साथ साथ दुआ भी कर रहे हैं कि यह खिदमत में अंजाम दे रहा हूं ए इस खिदमत को तो कबूल फरमा ठीक है ये शेख साहब हजरत इसमाही साथ खड़े हैं दीवाले बलन कर रहे हैं रब बनाता कबल में आपने भी ये बात फरमाई थी कुरबानी का सिलसिला वो फैजान नजर था या कि मकतब की करामद थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरसम बिल्कुल अच्छा, अच्छा। इसमें ये जो बैतुल्लाह की तामीर है इसके हवाले से गलत बात जो हमारे माशरे में मशहूर उसकी थोड़ी सी वजहत हो जाए बैतुल्ला की अव्वलन तामीर फरिश्तों ने फरमाई है या आदम अली अच्छा। सलातम अच्छा। ने या अल्फाज के वही यरफाहीदिन वो बुनियादें कहीं मौजूद थी जमाने के गुजरने के साथ साथ इमारत बहुत मखदूश हुई अज सरे नौ तामीर फरमा रहे इब्राहिम अरे और इस्माइल क्योंकि इमामत तब्दील हो रही थी बनो इसाक से बनो इसमाइल में बिल्कुल तो बैतुलमकद ते इमामत की तहवील हो रही है तो किबले की भी तहवील होगी बिल्कुल और ये ये सारी बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तफसील आती है इसकी दूसरे ही पारी के अंदर कि बनी इसराइल को फिर माजूल किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इमामत के मनसब पर फाइज किया गया बहुत खूबसूरत बात मुसी साहब ने फरमाई कि वहां दुआ क्या हो रही ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم आज तो हमारा मामला यह है कि जरा जुमे की दो रकत भी अदा कर ली तो बहुत इतमान होता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया अब यह मजीद दुआ पर बात तो करेंगे लेकिन यह बहुत कीमती बात है कि हम अपनी इबादत या नेकियों पर कोई तकबर करने के बजाय या इवन इतमान महसूस करने के बजाय डरते रहे कि मालूम नहीं कि रब के कबूल होंगे कि नहीं उसी ने तोहफी कता फरमाई तो उसी उसी से कबूलियत की दुआ का भी हमें एहतमाम करना चाहिए और बना तकब्बल मिलना ए हमारे रब हमसे कबूल फरमा नंत बेशक तो खूब सुनने वाला और इल्म रखने वाला है ठीक है अच्छा अब यही बात इस दुआएं उसके हजरत इसमाइल की बात अभी हो रही थी रब हफली मन सालीन ये भी दुआएं हजरत इब्राहिम बिल्कुल ना, अच्छा रबिरली वाले वाले यौम यकुमुल हिसाब ये भी हाँ। दुआएं हैं कि वालद के लिए वालदे के लिए भी वो मफफरत की दुआएं हमें तालीम करवा रहा है अल्लाह तला इब्राहिम के जरिए बिल्कुल अच्छा रब हबली मन सॉलिन इस पर जरा सिर गुप्त को फरमाइए औलाद की दुआ मांगी जा रही है वो इब्राहिम क्या दुआ मांग रहे हैं नेक औलाद की दुआ दुआत इब्राहिम आलि सलातम मांग रहे हैं और देखें हजरत इब्राहिम आली सलातम जहां दुआ मांग रहे हैं वहां औलाद का जिक्र जरूर है औलाद हाँ। का जिक्र जरूर है कि कहीं दुआ ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह शिर्क और बुत परस्ती से बचा मुझे बचा तो साथ औलाद का भी जिक्र है जहां अल्लाह तबारक फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि मैं तुझे इमाम बनाने वाला हूं फौरन एक सवाल एक दरख्वास्त जाती है कि अल्लाह मेरी औलाद मेरी औलाद भी तो ये इस बात की दलील है कि देखें इंसान को सबसे ज्यादा जो अजीज है वो उसकी औलाद है औलाद औलाद की जिस तरह ख्वाहिश परस्ती के लिए इन ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिस तरह आ, आज हम इंतहाई दर्जे में मेहनतें करते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी जो इससे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हम औलाद की तरबीत के लिए और अल्लाह तरह कबूल कराने के लिए और जो असल जो असल जो असल इमामत है जो असल इमामत है जो कबूलियत, दुनिया और आखिरत के हवाले से है वो है वल्लिन कुलुना रबना हबल ना अजवाजना वज्रियातना कुरत आयुनी व जानना लिल मुतकी इमामा कि हमें बना मुत्तियों के वास्ते इमाम तो हजरत इब्राहीम आलात वसलाम भी यही दुआ मांग रहे हैं अपनी औलाद के लिए कि औलाद अगर नेक होगी तो औलाद सदकाई जारिया बनेगी औलाद अगर नेक होगी तो अल्लाह तबारक वाली ने जो वादे फरमाए हैं कि नबूवत का सिलसिला भी और हकूमत का सिलसिला ये दोनों सिलसिले तब चलेंगे जब अल्लाह ताला के हां औलाद कबूल होगी इसी वजह से जब औलाद हालांकि अम्बियाई के राम आलिन सलाम की औलाद हैं लेकिन जब दिन से हटी हजरत आलि सलात वाम के बेटे हैं दीन से हटे अल्लाह तबारक तौल ने फरमाया कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है इसलिए कि इसलिए कि जो ताल्लुक बनता है वो नसल की बुनियाद पे नहीं खून की बुनियाद पे नहीं वो नजरिए की बुनियाद पर और नजरिया इसका तब्दील है इसका नजरिया अलग है यह अल्लाह का नहीं है जब अल्लाह का नहीं है तो यह तेरा भी नहीं है इसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम आल सलातम की दुआओं में जो सबसे बड़ी दुआ हमें मिलती है वो ये कि दीनी तरबियत की और नेक औलाद की दुआ हमें मिलती है और इसी

हाँ वो की ही मोई किताब और हकमत तजकिए को अल्लाह ताला ने मुकदम फरमाया हालांकि इब्राहिम अली सलात वसलम ने तजकिए को मौखर फरमाया फरमाया कि जहन साजी होगी तो है? जहन साजी के तालीम है। वो, है वो अपना असर दिखाएगी जहन अगर बना हुआ ना हो आप कितना पढ़ाएं आजकल जैसे स्कूल कॉलेजों में होता है जैन बना हुआ नहीं होता जहन आवारगी का होता है आप उसे पढ़ाएं कितनी सहूलतें दें बजाय इंसान बनने के वो शैतान बन के निकलते हैं तो इसीलिए बुनियादी तौर से फरमाया कि अगर जैसे हजरत इब्राहिम अली सलाम ने अपनी औलाद की तरबियतमा बड़ी कुर्बानी के लिए सिर्फ कहने की देर थी कहने की देर थी और बेटे की जबान पर जो लफ्ज था वो क्या इन शहस आप मुझे सबर करने वाले में पाओगे किस कुर्बानी के लिए कहा जा रहा है कहा जा रहा है और फिर यह तरबियत सिर्फ औलाद तक नहीं हजरत हाजरा सलातलाम ठीक है उनकी कुर्बानी की आप अपनी बीवी को किसी ऐसी जगह पर क्या आप जो उनकी ख्वाहिश है कभी पूरी तो ना करें क्या हशर होता है लेकिन हजरत इब्राहिम आलही सलात वसलाम उन्हें छोड़ रहे हैं सिर्फ वो ये पूछ रही कि अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ा जा रहा है फिर फिर बेटे हैं ये वादी के अंदर कभी सफा पे जा रही कभी मरवा पे जा रही कभी हर शिकायत उनकी जबान पे आया है कभी नहीं आया अल्लाह ताली की तरफ मुतवजह यही यादें हैं देखें इस्लाम के अंदर शख्सियत परस्ती नहीं है माल परस्ती है हजरत इब्राहिम हमारे दिन खसूस हज के जो अमाल हैं इनके इन ये जितने अमाल हैं ये हजरत इब्राहिम आलात वाम के उन पसंदीदा किरदारों और अमाल का मजमु है हजरत इब्राहिम आलात वाम की अहलिया मोहतरमा उनकी जो दौड़ है सही है ये 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 तवाफ का हिस्सा है जी और तक के लिए महफूज करती अयामत तक के लिए महफूज करती और खुद देखें देखें हजरत इब्राहिम आल सलात वसलाम और उनके वालों को जो इतनी बड़ी इज्जत मिली कि एक मरकजियत हासिल हुई उस मरकजियत पर एक जो समझ कि एक यानी मजहबी इकतदार अल्लाह ताली ने बन बन को अता फरमाया अब इसमें देखें यानी एक खुशहाल मुशरे के लिए खुशहाल मुशरे के लिए और कामयाब और कामयाब हकूमत के लिए रूहानियत और अल्लाह ताली से ताल्लुक़ ये बुनियाद की हैसियत रखता है एक ऐसा इलाका था वादी गैर गैर गैरजीजरा के जहां परिन चरिन का भी गुजर नहीं होता था लेकिन अल्लाह के दीन की वजह से आज उस इलाके को मरकजियत हासिल है और ये आगे भी जब, आगे, ये भी भी दुआ दुआ इब्राहिम हम देखेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि हजरत इब्राहिम अली सलात वाम ने सिर्फ दीन की दुआ नहीं की बल्कि दो बड़ी दुआएं हैं वो इस काले इब्राहिम और बिजाल हाजल बलद आम ए ना वह जुनूबनी वह बनैयाबुदल असनाम और ये भी फरमाया कि वर्जुकों मेन कि दो दुआएं कि अमनो अमान देखें जबकि जिस इलाके में अमनो अमान होता है वहां हर चीज तरक्की करती है जहां सब कुछ हो लेकिन अमनो अमान ना हो वहां कुछ भी नहीं होता नंबर एक दुआ तो दिफाही हवाले से भी इस्तेकाम हो माशी हवाले से भी इस्तेकाम हो यह दो दुआएं हजरत इब्राहिम आल सलात वाम ने दी और दिफाई और माशी इस्तेकाम कब आता है जब इंसान सिर्फ अल्लाह का होता है अल्लाह से ताल्लुक का होता है और आगे की दुआओं में इशाद है कि किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह के जरिए जब उम्मत की रहनुमाई होगी तो उम्मत जो है वह गुमराही पर नहीं आई सुबह अल्लाह सुबहानल्लाषेक साहब बहुत सारी बातें सवालात बहुत सारे यहां पर किए जा सकते हैं लेकिन मैं उससे पहले दुआ पढ़ाऊंगा उसके बाद उस शहर में अम की बात और समारात की बात उस पर बात करेंगे ये बताइए कि जो दुआ मांगी जा रही है उसमें के, के अल्लाह तो इन्हीं में से रसूल पैदा कर तो यहां पर जो इन्हीं में से की बात हुई है उस पर जरा रोशनी डालिए आप। आपकी जगह सिर्फ औलाद के हवाले से एक जुमला बैठ करना चाहूंगा कि देखिए बहुत खूबसूरत बात कही गई कि, कि जहां जहां अल्लाह के इनामात के अता किए जाने और फिर इब्राहिम के दुआ किए जाने का जिक्र है औलाद का तस्करा है एक बहुत नाजुक नुकता है कि इंसान बसा औकात जाहिर में कोई मजहबी लुबादा ओढ़ सकता है लेकिन उसकी असल शख्सियत का पता उस वक्त चलता है कि वो अपनी औलाद के लिए क्या पसंद करता है अल्लाह हमें माफ रखे इस माशरे के अंदर ये बात राइज नजर आती है कि जाहिर में बड़ा तकवा और उसका इधार और तदयीन का इधार और जुब्बा कुब्बा भी है मगर औलाद के मुतालिक वो शख्स क्या सोचता है उससे उसका असल विजन क्या है मिशन क्या है गोल्स क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है वो बिल्कुल वाज हो जाए शेख साहब यही बात आप ही रहेगी जारी और यह बात बहुत अहम आपने उठाई करीम फरमाता है अपने और अपनी औलाद को जहन की आग से महफूज रखो और फौलाए काम खास रून खात ब्रेक पे जा रहे हैं वापस आएंगे सिलसिला का नाम रहेगा जारी टेलीफोन लाइन ओपन हो जाएंगी आपके सवाल का खैर मकदम किया जाएगा आ रहे हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक खुवातिनजरा पयाम सुब सुबह एक बार फिर खुश आमदे तशीफ फरमाए मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब और मोहतरम मुफ्ती नजीर अहमद खान साहब आज बात हो रही है पयाम सुबह में हजरत इब्राहिम और आपकी दुआओं के ताल्लुक से खौतिन कुछ में आज हमारा सवाल जो हमने आगाज कलाम में अर्ज किया था मैं रिपीट कर देता हूँ वो सवाल ये है कि इसराइल किस पैगम्बर का लकब था पहला ऑप्शन हजरत यूनूसम दूसरा ऑप्शन हजरत सलह तीसरा ऑप्शन हजरत याकूब आलामी टेलीफोन नंबर आ रहे हैं आपके सामने एस एम एस का नंबर आ रहा है हमारा ई मेल एड्रेस आ रहा है सही जवाब मेल कीजिए और उस कुरानदाजी में शामिल हो जाइए कि जो रोज़ाना प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में होती है और एक शख्स की खिदमत में दुनिया न्यूज़ की जानब से गिफ्ट हेम्पर पेश किया जाता है शेख साहब जहां बात कटी थी आप वहां पर के इन में से इन्हीं में से रसूल पैदा कर जो जो क्या कर, दुआ क्या मांगी जा रही है यतलुलेम आयात नहीं अलैहिम नहीं है वहां पर उस दुआ में जी जी वहां क्या है ये तस्किए की जो बात हो रही जी। है जी। वो जिस आप हमसे बेहतर जानते हैं कि कुरान करीम में चार जगह ये आयत आयत मौजूद है तीन जगह तस्किया आखिर में है शुरू में है शुरू में लेकिन इब्राहिम असलम सबसे आखिर में रखा है इस इसकी क्या हमत देखिए चार मरतबा ये बात आई है आ, इस अंदाज से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार बुनियादी फरइज को चार ही मरतबा कुरान ने बयान किया इस वक्त जो आज आज हमने आयत तलाबा समात की वो अल अलबकर की आयत एक सौ उनतीस है फिर आल इमरान की एक सौ चौसठ है <स्था> <स्था> बल्कि अल अलबकरा की वन फिफ्टी वन भी है फिर आलिमरान की, की, की एक सौ चौंसठ है फिर सूर जुम्मा की आयत नंबर दो है जब अल अलबकरा की एक सौ उनतीस जो आज जीर गुफ्तु है उसमें अलफाज से रब्बना वासम रसूल यम आयाति काम किताबल मयूज की हिम आयात की तिलावत किताब की तिलावत किताब की तालीम यानी की हमत की तालीम और तस्किया ये दुआ है इब्राहिम की यहां तस्किया आ रहा है नंबर फोर पे जी बाकी तीनों मकाम पर अल्लाह तला ने जिक्र फरमाया है कहीं रिसालत मां आपलम को एक एहसान बंदों के लिए करार देकर कहीं उनकी फराइज का जिक्र करके तो वहां नंबर एक पे तिलावत है नंबर दो पे तस्किया है नंबर तीन पे किताब के अहकाम की तालीम है नंबर चार पर हमत है और बहुत खूबसूरत नुकता मुफ्ती साहब ने शायद फरमाया कि अल्लाह तला ने जब तीनों मरतबा बयान फरमाया तो आयात की तिलावत के फौरन बाद तस्कीिए का जिक्र हुआ जबकि इब्राहिम आसलम की दुआ में तस्किए का जिक्र आखिर में था तो यह बोया कि अल्लाह तला ने उसमें खबसूरती मजीद हमें आता फरमा दी कि किताब की तालीम अगर तस्कीिए के बगैर हो तो जो रिजल्ट रिक्वायर्ड और डिजायर्ड है वो हासिल नहीं हो सकते आज हमारे माशरे में भी बल्कि मैं दीन की तालीम की भी बात भी कर लूं तमाम तरह रिस्पेक्ट और अदब के साथ कि महज अगर इल दिया जा रहा हो और दिलों का तस्किया न किया जा रहा हो दुनिया की मोहब्बत को निकालकर फिक्र आखिर पैदा करने की कोशिश ना की जा रही हो तो इल्म तो शायद मिल जाएगा शायद हिदायत ना मिल सके बहुत सख्त बात है जी जी इल्म तो शायद बहुं मिल बहुं जाएगा तरबियत शायद ना हो सके किताबों के अंबार तो लग जाएंगे मगर किरदार शायद पैदा ना हो सके यही वजह है कि तस्की को अल्लाह ताला किताब की तालीम के यानी आयात की तिलावत के फौरन साथ ही मकामा पर बयान करते हैं और यह बात भी अस कर दो जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसान की शख्सियत का असल अंदाजा उसकी औलाद के मुता उसके रवैये से होता है मुमकिन है कि ढेरों इल मेरे पास हो मगर अंदर खाने वही दुनिया की मोहब्बत बैठी हुई हो तो शायद मैं दुनिया को तो शेयर करवा रहा हूं अपनी औलाद को शायद शेयर ना करवा रहा हूं मेरे इस रवैये से पता चलेगा कि मैं अपनी औलाद को सदका जारिया बनाना चाह रहा हूँ या कुछ और बनाना चाहूँ ठीक है क्या अच्छी बात आपने फरमाई और जो उलमा फरमाते हैं कि मैं जो कुछ हूं वो तो मैं अपने वाले की मेहनत का नतीजा हूँ सही उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है ये देखना है कि मैं अपनी औलाद को कहां पर वो मेरी मेहनत का नतीजा होगा जी कि मैं उस तरबियत कैसे करता हूँ अपनी औलाद को कसब भी कुरान ने कहा जी जो सोरे लाब अबुल हाहाब का है माँ अगना अनहू मा लू वमा कसब ना उसका माल उसके काम आए ना उसकी कमाई कमाई को कोलमा ने कहा कि औलाद भी मुराद ओलाद भी उसके काम नहीं आई जी तो मैं आज क्या मेहनत कर रहा हूं उसका नतीजा मेरी औलाद की शक्ल में सामने आया सुबहान एक कॉल ले लीजिए बिल्कुल दो ले लीजिए आप असलम वालेकुम वालेकम जी जी परवेज साहब मैं परवेश बोल रहा हूँ जी अटक से जी परवेश एक भाई सबसे पहले तो ये है कि यकीन करें कि आपने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है इससे काफी कुछ हम लो, हम जैसे मतलब के जो अनपढ़ लोग तो तो हैं इन के सदके जो जी बाप उलमा को बुलाते हैं इनके सदके में बहुत कुछ जो है मालूमत हमारे में इजाफा हो रहा है अच्छा सर आदम की दुआ के मुतल आप मौजू रखा है तो हजरत आदम को लोहे महफूज पे उस वक्त जब आपको जहूर जमीन पे नहीं हुआ था तो उस वक्त भी आपको लाला मोहम्मद अल्लाह लिखा हुआ दिखाया गया था कि एक नबी आएगा देखिए ये अल्लाह ताला की एक मशियत थी कि अल्लाह ताला ने सदरत अब्राहिम की कौम में से एक आखिरी नबी जिसके बाद कोई नबूवत नहीं है नबूत खत्म हो चुकी है कि आज हम इसके ऊपर बहुत बहुत कुछ बातें कर रहे हैं उनकी सीधी बातें होती हैं लेकिन नबूत मेरे नबी के ऊपर खत्म हो चुकी है इसके बाद कोई हम बिया नहीं आएगा लेकिन बाद उस वक्त हजरत आदम को ये चीज ऊपर दिखाई गई थी और आपबानी की जहां तक बात आप करते हैं तो कर्बानी की बात ये क्या हजरत अब्राहिम अला इस्लाम से लेकर क्या मतलब तक कुरबानी मुसलमान के लिए हर वक्त कुर्बानी के लिए मुसलमान की बुनियादी कुर्बानी के ऊपर है लेकिन हम लोग उस चीज को भूल चुके हैं हम और तरफ जा रहे हैं अभी मोती साहब फरमा रहे थे बच्चों के लिए बात यह कि हम लोग खुद बच्चों को अंग्रेजी तालीम दिलवाने के लिए तो हजारों रुपया लाखों रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन दीन के लिए अगर उस कहेंगी मच्छर भेजो बच्चे को अपना पारा पढ़ने के लिए तो कभी भी हम नहीं भेजते बहुत अच्छी बात की अपने घर में एक मौलिक को हाल कर देख अपने घर में आए जाते लेकिन बात यह कि हमें ये चाहिए हमें दीन की तरफ भी ज्यादा तोज्जो देनी चाहिए ब्रिस, ब्रिस के अंग्रेजी तालीम जरूर करें लेकिन बहुत बहुत बहुत, शु, बहुत, शु, बहुत शुक्रिया अच्छा एक कॉल और ले लेते हैं जैसे आपने कहा था दूसरी दो कॉल लेते तो दूसरी कॉल भी ले लेते हैं आपकी इजाजत ऐसी जी असलम वालकुम जी फरमाइए मासे इकबाल बोल रही जी गुजरा वाला जी जी फरमए हमें आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया मैंने अभी नया देखना शुरू किया है अच्छा तो ये जो आप जी बोले Hello? बोले जी आ रही है आपकी आवाज़ हाँ जी मैंने ये सवाल का जवाब भी दे दिया अपना जो आज आपका सवाल था अच्छा कल भी कॉल करते रहे तो लाइव पे जी जी की भी आपके प्रोग्राम में है मैंने ये कॉल अच्छा ठीक है ये एक तो ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है आप इसका दुरानिया बराए अच्छा तो मुफ्ती साहब से ये कि मैं जो आजकल हमारे ये एक सवाल कर सकते हैं आपसे ये किसी भी हवाले से जी जी आप फरमाइए ये सवाल क्या है आपका ये नए होस्ट चारे हैं हमारे प्रोग्राम जो आजकल ये लड़कियां हमारी कर रही हैं पाकिस्तान की अच्छा लाइफ अच्छा ठीक है वो आपकी बात आ गई हम समझ में हमारे कि जिस तरह तो के नई जो प्रोग्राम होस्ट लड़कियां आ रही हैं और जिस अंदाज से प्रोग्राम हो रहे हैं मीडिया का इस्तेमाल किस अंदाज से हो रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है आ, लेकिन बहरहाल क्योंकि हम अपने मौजू पर रहते हैं जो कुछ हो रहा है इस माशरे में और जो कुछ मीडिया कर रहा है वो हम सब जानते हैं मुफ्ती साहब हम आ जाते हैं उसी दुआ पर जरूरीत पर और जो परवेज साहब ने भी जो ये बात की और फिर आपकी बहुत अच्छी बात शेख साहब की ये है कि आप इसको हालत हाजरा से मिलाते रहते हैं आज जो कुछ हम अपनी तरबियत कर रहे हैं औलाद की एक तरबियत की हजरत इब्राहिम असलम ने गुफ्त को फरमाई यही दुआ जो हजरत ने जिसपे बात फरमाई इसी में एक लफ्ज आता है किताब योली मोहमल किताबलिकम यहमत क्या चीज ठीक है था? हमत का जो है, हैमत की तारीफ है वजो शैफी मौके मौके की मुनासबत से मौके की मुनासबत से बात कहना यह हैमत यानी एक शख्स मौका शनास हो मौके की मुनासबत से मौके की मुनासबत से काम कर मौका, मौका परस ना हो, मौका ना हो। बहुत अच्छी थीए। बात थीए। थीए। तो अब देखें एक शख्स के पास मालूमात का जखीर है इसके समझने है। के लिए अगर हम यू समझे एक शख्स से कि अगर वो एक बिल्डिंग बना रहा है घर बना रहा है मटेरियल जमा करना ये कोई कमाल की बात नहीं मटेरियल आपने जमा किया एक जगह लेकिन यह जो मटेरियल है जिसकी जो जगह है वहां फिट करना इसके लिए चाहिए होती है महारत काबिलियत मेरे पास पैसा है पैसे के जोर पे मैं मटेरियल जमा कर सकता हूं लेकिन इसे फिट करना सही उसकी मुनासिब जगह पे उसको रखना ये बड़ा मुश्किल काम इसी तरह की स्टोर वाला है दवाइयां उसके पास हैं मैं चाहूं क्यों मैं डॉक्टर के पास जाता हूं हजार रुपए की फीस देता हूं वो मेरे बीमारी की तशखीस करके फिर मैं स्टोर वाले के पास आता हूं मेडिकल स्टोर वाले के पास हूं वहां से दवाई लेता हूं दवाई होती है तीन सौ की और मुझसे फीस वो ले रहा है हजार रुपए मैं वहां जाता हूं क्यों इसलिए कि वो जो दवाई देगा मौके की मुनासबत से यानी बीमारी की मुनासिबत से मुझे वो दवाई देगा तो यहां हमत की इतनी जरूरत कि जो मेरी बीमारी है उसकी मुनासबत से मुझे दवाई मिलेगी अब यहां कुरान करीम में जो इरशाद है वो ये है कि देखें किताबुल्लाह से ज्यादा अहमियत रिजालुल्लाह की है किताबुल्ला से ज्यादा अहमियत रिजाल्ला की किताबें कम नाजिल हुई लेकिन एम के राम आलि मुसलात का जो तसलसल हमें दिख रहा है वो एक लाख से ज्यादा अब यहां पर जो एक बड़ी तालीम हमें इस दुआ के जरिए जो दी जा रही है वो ये कि हर शख्स कुरान लेकर उसकी तशरी शुरू कर देता है और उसी की मुनासबत से फिर वो मुश्त बन जाता है उसी मुनासबत से वह समझता है कि मुझे किसी माहिर से राय लेने की जरूरत नहीं है और यही चीज उसकी गुमराही का सबब बन जाती है ठीक है जो बात है वो ये कि माहरीन इलम राशि फिल्म वो जानते हैं हिकमत को मौके की मुनासबत से क्या करना है क्या कहना है किस तरह चलना है ये, ये, ये कि जिसके पास इल्म का या मालूमात का जखीरा हो यह वो कि जो इल्म के अंदर जिसने रुसूख पैदा किया और रुसूख कौन पैदा करता है यही चीज मिलती है तजकिए से यही चीज मिलती है तरबियत से जैसे कुरान करीम में फरमाई तकवा कैसे पैदा होगा तकवा दिल में कैसे पैदा होगा मैं अपने दिल को बदलू एक मुश्किल काम है इसके लिए फरमाया कि इसका हल ये कूनो मास्कीन सादिक के साथ हो जाओ जो अमल के भी सच्चे हो जबान के भी सच्चे हो किरदार के भी सच्चे ठीक है, है।, है। और यानी तरबियत गांव तरबियत गांवों को ढूंढे अहल्लाह के पास बैठे सेल्फ टॉट आदमी बड़ा खतरनाक होता है अच्छा, एक एक, जुमला जुमला अगर अर्ज कर दूं देखिए इस वक्त अगर जहां कहीं सुनते हैं तो, तो गुफ्तगु इस पर होती है कि तालीम की कमी है तालीम मैं कहता हूं तालीम की कमी नहीं है तरबियत की कमी है ठीक है खुद मुझे याद है आज से कोई तीन चार साल पहले ईरान के अंदर तकरीबन कोई बावन स्मगलर थे उनको फांसी दी गई उसमें एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी था अच्छा जब उसे फांसी दी जा रही थी उससे पूछा गया कि आप तो बड़े काबिल इलम वाले इंसान हैं आप हाँ। भी इस गन के अंदर आप भी मुलवस रहे तो उसने कहा कि इंसान को हिदायत और सही रास्ते की तोफीक इलम से नहीं तकवे से मिलती है तकवा अगर एक जाहिल के पास होगा तो वो भी कामयाब होगा वो भी बुराइयों से बचे ठीक है और आपने हिकमत के तलुक जो बात फरमाई उस पर सिर्फ मैं एक बात याद करना चाहता हूं जो कुरान करीम फरमाता है कि जिसे हमने हिकमत अता की खैर कसी खैर कसीर अता किया कुछ कॉल कुछ कॉल दे देते हैं जी खजीना वालेकुम वालकम जी खजीना हाँ जी अलहमदिल्ला बहुत अच्छा मैं क्या कहूँ प्रोग्राम के बारे में कि इतना सुबह की पुरूर सातों में इतना खूबसूरत रूह परवर प्रोग्राम जो आप पेश करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें जजाए खैर अता करे अजर अता करे और जो मौलाना साहब अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों के लिए आते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी इसका जगह और क्वेश्चन मेरा ये है अनिक भाई के हम वो कौन सी दुआ है ऐसी जो हम हमारे पढ़ने से हम अपने वालदेन की मफरत का, का, निजात जो हमारे के लिए बन सके और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात तो अगली कॉल भी ले लेते हैं आपकी कॉल ये सिलसिले में क्या है वो भी हम पूछेंगे शफीकुरु अनिक भाई वालेकुम अनिक भाई आपकी जो बातें सुन रहा था अभी मतलब के आपके हवाले से मैं एक पहली आए जो कुरान की है जीफला जी जी मुत्तकी ये पहली आयत हदल नास नहीं है जी जी। मुत्तकी की जो डेफिनेशन मेरी राय में वो चालीस साल जिंदगी जो नबी की थी जी, उसके बुनियाद पे ये मुत्तकी तो नहीं इस्तेमाल हुआ जी। क्योंकि वो जो चालीस साल जिंदगी है उसमें जो चीजें मौला ने की नबी ने की हैं, उसमें तीन ही बातें हैं जो उनकी जालियों पर लिखा है सादे कुल वादे उल अमीन। तो ये ने नास क्यों नहीं लिखा मुत्तकीन लिखा है तो मुत्तकी की डेफिनेशन क्या है जी बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है और ये बात कितना अच्छा सवाल है।, है ये भी और पिछला सवाल ही बहुत अच्छा है कि दुआ कौन सी जिसमें वाले के मफफरत हो लेकिन यहां पर एक बात से मैं ऐड करना चाहता हूं ये भी क्योंकि मेरा मसला भी ये है जरा सा कि पहले अपने किरदार की गवाही ली जी जी दीन पेश करने से पहले कि तुमने मुझे कैसा पाया सही चालीस बरस गुजर गए और जो चालीस बरस में आदमी की आदतें पुख्ता हो जाती हैं कि मैं चालीस बरस का हूं किरदार की गवाही उसके बाद दीन पे इसको मानो अल्लाह को मानो बुतों को हटाओ जी जहां तक दुआओं का ताल्लुक है अगर हमारी जिन बहन ने सवाल किया अगर वो लिख भी लें तो उनको याद भी रहेगा इंशाला एक तो दुआ जिसकी तरफ इशारा आपने भी किया है इब्राहिम की आयत नंबर चालीस और इकतालीस रब्बन अकफिरली वली वाली, वाली दैया वालमिनी नैयम याकूम हिसाब एला मेरी मखफरत फरमा मेरे वालदेन की और अहल ईमान के हिसाब के दिन सूर्य इब्राहिम आयत नंबर चालीस और इकतालीस में ये दुआएं हैं इसी तरह मां बाप के हवाले से हमने बात पहले भी की थी सूर्य बनी इसराइल की आयत नंबर चौबीस है रबर हम हमा कमा रब्ब सगीरा सर बनी इसराइल आयत नंबर चौबीस ए मेरे मेरा मेरे इन दोनों मां बाप पर रहम फरमा उस तरह कि जब मैं छोटा था तो उन्होंने मेरी परवरिश फरमाई थी बहुत प्यारी दुआ है मां बाप हयात हो तब भी अल्लाह की रहमत के मोहताज है तब भी दुआ करनी चाहिए इंतकाल कर गए हो तब भी अल्लाह की रहमत के मोहताज है तब भी दुआ हमें करनी चाहिए हम उन्हें मरहूम कहते हैं बिल्कुल माशाल्लाह और इसी तरह सूरह अहकाफ की आयत नंबर पंद्रह में भी दुआ सिखाई गई और सूरह नूह की आखिरी आयत में भी माँ बाप के लिए दुआ हमें सिखाई गई है और रब्बे कायनात ने जो अपने पैगंबरों के जरिए दुआ सिखा दी मैं समझता हूं उससे बेहतर कोई दुआ नहीं हो सकती इसी तरह हमारे भाई ने तकवा के हवाले से बात की बिल्कुल सही है अलबकरा की एक सौ पिचासी आयतमर में हदल नास तमाम इंसानियत के लिए है मगर अलबकरा की आयत दो में का हदलुतकीन उत्तकीन के लिए है देखिए रोशनी सूरज की निकलती है जो चाहे फायदा उठा ले मगर खिड़की दरवाजे बंद कर देगा उसको रोशनी से फायदा नहीं मिलेगा पोटेंशियली तमाम इंसानियत के लिए हिदायत कुरान में मौजूद है हां जो दिल का दरवाजा बंद कर देगा उसके लिए नहीं है जिसमें तलब और तड़प नहीं होगी उसके लिए नहीं होगी तकवा की डेफिनेशन उमर फारूक रजी अल्लाह तारों की महफिल से मिलती है उबई बिन काब एक जील कदर सहाबी रजी अल्ला फरमाते हैं कि अमीर अगर किसी तंग रास्ते से आपका गुजर हो पगडंडी हो और दाएं बाएं कांटे मौजूद हो तो आप कैसे गुजरेंगे फरमाए मैं अपने दामन को समेट कर बच बच कर चलने की कोशिश करूंगा फरमाए बच बच कर चलना खौफ खुदा दिल में हो आखरत की जवाबदेही का एहसास दिल में हो उसी को तो फिक्र होगी कि रहनुमाई मुझे मिल जाए यह बच बच कर चलना गुनाहों से यह है तकवा और यह साल मार में फरमाए की दिल में होता है इस एहसास का नाम कि मेरी एक एक नीयत मेरे के कौल मेरे के कमल को अल्लाह जानता है इस एहसास के साथ जिंदगी बसर होगी तो रब की हिदायत भी इंशाला में, में बयान किया जाए तो अशफाक अहमद मरहूम एक जुमला कहा करते हैं मुसलमान मोमिन के अलावा मोमिन वो है जो अल्लाह की माने और मुसलमान हुआ है जो को Allah Allah को को माने तो ये फर्क फार। ठीक कुछ कॉल दे देते हैं फिर मुफ्ती साहब की तरफ जी हम चलेंगे जी असलम जनाबे वाला फरमाइए मोहम्मद बाकर बात कर रहा हूँ मैंने सर अभी माशा ये आयात भी सुन रहा था और मुफ्ती हजरात के बयान भी इसमें तरबियत ओलाद की और साथ ही उनकी तालीम के भी कई बात कर रहे हैं जी असल में मैं एक चीज बताना चाह रहा था की आजकल हमारे तालीम और तरबियत ना दोनों में बड़ी कमी है जी। जैसे आप अक्सर बात करते ना दोजे हाजिर में किस के हो सकती है जी। तो मैंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को इस तरह तरीके से तरबियत तर, की है और इतना मुझे उसका फायदा हुआ है अच्छा। कि अगर बच्चों को पांचवी जमात तक पुराने पाक बढ़ा ले और छठी से लेके दसवीं तक उनको उसका हर बच्चे को पुराने पाक का ना तर्जमा उसको जाना अगर ये स्कूलों में निजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है ताकि वो जो बच्चा अठारह साल का हो जाए तो उसको ये भी पता है कि मेरे माँ बाप के हकूक क्या है उसकी ला खत्म हो जाती है, है। और उसके बाद फिर उसको ये भी पता मैंने वोट किसको डालना है मैंने अगर कारोबार करना है तो के हलाल भी मैं ठीक कैसे ठीक कमानी है अगर शादी के बाद मेरे बीवी बच्चों के हकूक के हैं असल में बुनियादी तौर पर कौम के अंदर जो कमी है वो लामी है इसकी कुरने पाक की ना कि ने वो के जो है ना वो क्या बयान किए हुए हैं और यही बुनियाद बनती है हमारे हराम की ना। बहुत उसको बात बिल्कुल है। का पता नहीं उसको ना। बिल्कुल पुराने करीम तालीम करता है हमें और अलाम इकबाल का शेर यहाँ पर फिर याद आता है कि वो जमाने में मुआजस्त थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक्र होकर तो यानी मुआज थे साहिब कुरान होकर यानी कुरान के साथ आदमी मुअज़्ज़ज़ होता है और जब तारीख कुरान हो जाता है तो जलील और ख्वार और रुसवा होता है ठीक है एक कॉल और ले लेते हैं ये औलाद के हवाले से जी मैं एक तो कॉल लेके फिर ये आखिरी कॉल लेते जी, जी, हैं इस प्रोग्राम की फिर आप बात करेंगे जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए फरीदुल हसन बात कर रहा हूँ लाहौर से जी फरीद साहब जनाब आप इंतजार बहुत करवाते हैं ये है जी हाँ बड़े मसाइले वो कॉल असल में लेके में है जी जी फरमाइए तो इस बारे में है कि हमने हर कौम में रसूल भेजे हर मुद्दत में रसूल भेजे हाँ। तो हिंदुस्तान के मुतालिक क्या कहा जाएगा जहां वो हर अच्छे इंसान को देवता कोट करते हैं क्या अच्छा सवाल है और दूसरा क्या सर दूसरा ये है, है।, है कि क्या हम एक अच्छी कौम की तरह बजाय इसके कि हम जज्बाती और जाहिल कौम की तरह अपनी हर बजवी रसूमत को लेकर सड़कों पर आ जाए क्या चार दीवारी के अंदर आप अच्छे ना लगेंगे अच्छा ठीक है और दूसरा कुरान जो है वो मरने के बाद के बारे में क्या कहता है कब्र के हिसाब के बारे में क्या कहता है कि है या नहीं है अच्छा ठीक है तो इसमें आ, मैं ये सवाल रखता हूं मुफ्ती साहब आपके सामने लेकिन ये लिकुल ले ले कौमिन हाद की जो बात कुरान करीम फरमा रहे जो आपका सवाल है हिंदुस्तान के ताल्लुक से देखें पहले तो तरबियत औद तरबियत असल में वक्त बहुत कम हजरत इब्राहिम आलात वम चूंकि ट्रैक पे हम रहेंगे ना तो बात चलेगी ठीक है हजरत इब्राहिम अली सलातम की दुआओं में और खुद हजरत इस्मा सलात वाम के हवाले से और दूसरे एम बी आई के राम आलम सला वाल के जो बड़ी चीज़ हमें नजर आ रही है वो है दीनी तरबियत देखें दी, दीनी तरबियत के अंदर इस वक्त इतहाई बड़ी गफलत जो बरती जा रही है वो ये है कि कुरान की तालीम पर तो तवज्जो दी जा रही है लेकिन क्या माहौल में भी लाया जा रहा है बच्चों को एक शख्स एक शख्स अगर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूटर रख दे घर में तो कभी वो डॉक्टर नहीं बनेंगे इंजीनियर नहीं बनेगा स्कूल में ले जाना पड़ता है इसी तरह इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि आप बच्चों को पढ़ाएं लेकिन क्या लेकिन क्या मस्जिद भी आप लेके जाते हैं आप पढ़ाएं मस्जिद में ले जाके अच्छा का ज्यादा असर होता है बनिस्बत पढ़ाई बहुत अच्छी बात है और अमल अमल गुफ्तु ना हो लफ्जों की जुगाली ना हो बल्कि अमली इजहार हो एक पर्ची आप निकाल दीजिए मैं आपसे इस जहमत की दरख्वास्त करूंगा और ये पर्ची आप दे दीजिए शिजाउद्दीन शेख साहब को ताकि वो आज के जो विनर हैं उनके नाम का ऐलान ये मेरी अच्छी ड्यूटी जी बिल्कुल बड़ी ये अल्लाह ताला आपको बरकत दे और जी कल जो सवाल हमने किया था खौतन नौरात वो सवाल ये था कि हजरत ईसा आसम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी इंजील सही जवाब और जिस हमारे उस शख्स का जिसने सही जवाब भिजवाया कुरानदाजी के जरिए जो नाम निकला है वह शेख साहब ऐलान कर रहे हैं जी शख्स के साथ खातून भी हो सकती हैं अच्छा आज हमारी बहन है, आसिया जैदी कराची से आसिया जैदी साहिबा आपको गिफ्ट हम पर मुबारक हो और आज का सवाल खौती नजरात आप जानते हैं मैं रिपीट कर देता हूं कि इसराइल किस पैगंबर का लकब था हजर जूनूसम हजरत साल स्लम हजर जाकूब आसलम आखिरी मिनट चल रहे हैं मैं शेख साहब आपकी खिदमत में सवाल रखूँ मुझे सवाल आया था अभी शफीकुररहमान साहब ने शायद कि हिंदुस्तान के ताल्लुक से क्या आ, कहा जाता है लिकुल कौमिन हाथ कुरान करीम बता रहा है कि हर इलाके में हादी भेजे गए। लिकुल कौमिन हाथ बिल्कुल सही कुरान एक से जारी मरदबा ये बात फरमाई कि हर दौर हर इलाके में अल्लाह ने रसूल भेजे आखिर मोहम्मद सल्ला वसल्लम है बाई नेम कुरान हकीम में छब्बीस का नाम लेकर जिक्र किया गया और कुछ का नाम हमें अहादीस में मिलता है तो हम ये कह सकते कि और ये मानते और यह मानना हमारे ईमान का हिस्सा कि हर हर दौर में अल्लाह ने अंबिया और पैगंबर भेजे मगर जिनका नाम हमारे पास मौजूद नहीं है उन पर हमारा इन कॉमन इन जनरल ईमान तो है हम उन लोगों को जिनको देवता बना दिया गया स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि अंबिया थे मुमकिन है मुमकिन हो सकता है कि उनमें कुछ अंबिया थे जिनके बाद की नस्लों ने उनके मुताबिक गलत रवैये अख्तियार कर लिए तो मुतल हमारे ईमान सब पर है लेकिन स्पेसिफिकली हम उन्हीं का नाम ले सकेंगे जिसके मुतालिक है। है। अच्छा। हिंदू कुतुब के अंदर ये बात मौजूद है जी यानी बशारतें हैं जी मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तफा सल्लाम तशरीफ अवतार के, के अल्फा आदातेवन महानू हजर, हम हजरत कहते हैं महानू का तस्वर हिंदू स्क्रिप्चर्स में है तूफान का जिक्र वहां पर मौजूद है कि कश्ती का जिक्र वहां पर मौजूद है कुछ लोगों के बचाए जाने का जिक्र वहां पर मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं और साबित शुदा बात है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में आखिरी रसूल मोहम्मद वसल्लम के आने का तस्करा भी मौजूद है कल की अवतार के अल्फाज के अल्फाज में और अगर हमारे जो हिंदू भाई हैं वो दीन इस्लाम कबूल करते हैं तो वो तब्दीले मजहब नहीं कर रहे बल्कि तकमीले मजहब और जो अपने जो अवतार हैं अपने जो बुजुर्ग हैं अपने जो रोशी हैं अपने जो मुनि हैं उनकी बातों पर उनकी असल बातों पर अमल कर रहे हैं उनकी असल बातों पर अमल कर, 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 कर रहे हैं शेख साहब आपका बहुत शुक्रगुजार, मुफ्ती साहब बड़ा ममनून आप हजार तशरीफ लाते हैं और इतनी ईमान अफरज बातें होती हैं और हम अपनी इलमी कमी दूर करते हैं आपकी गुफ्तु से खौतिन कल हम बात करेंगे इंशाला तौ असर के तल्ल से अल्लाह कुरान करीम में फरमाते छोटी सी सूरत के वल असरसान लफी खसर लजीन आमनु वामहात व तवास बिलहत व तवासु तवास बिसब्र हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं फरमाते अलैह कि पूरा कुरान करीम अगर नाजिल नहीं होता सिर्फ ये एक सूरत नाजिल होती तो ये इंसानियत के लिए काफी थी खौतिनजरात कल हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगे मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब और तशरीफ ला रहे हैं इस्लामाबाद से एक बहुत बड़े माहिर नफ्सियात हैं बड़े अहद जदीद के मसाइल पर गहरी नजर रखते हैं मोहतरम डॉक्टर मोदत राना साहब कल तक के लिए अपने मेजबान अनीक अहमद को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़।